हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम एक वेडिंग रिसेप्शन कुछ दिन पहले अटेंड किए थे, उसी का व्लॉग है। एक्चुअली मैं अपलोड करना भूल गई थी इसे, क्योंकि इस बीच में मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स एडिट कर रही थी, अपलोड कर रही थी, सो ये रह गया था। तो अचानक से मैंने वीडियोज़ देखा तो याद आ गया कि ये एक वेडिंग रिसेप्शन हमने अटेंड किया था कुछ दिन पहले, बट अपलोड नहीं किया। तो ये हस्बैंड के कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर है, उनकी बेटी का रिसेप्शन था यहाँ दुबई में। ये हयात रेजेंसी क्रिक हाइट होटल में था, ये एक 5-स्टार होटल है। तो काफ़ी लेविश रिसेप्शन था, तो आप अभी देख सकते हैं हम वहाँ जा रहे हैं टुवर्ड्स द रिसेप्शन होटल। ये होटल एक्चुअली दुबई क्रिक एरिया में है, जो हेल्थ केयर सिटी है वहाँ ही है, अपोजिट टू क्रिक पार्क। तो गाइस देखिए, ये रहा होटल और ये एक 5-स्टार होटल है। तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं होटल और ये देखिए, बहुत ही शानदार और खूबसूरत होटल है ये। तो फ्रेंड्स, अभी हम होटल के अंदर आ चुके हैं। तो ये अंदर का एम्बियंस देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन का है इसका अंदर। और ये जो लॉबी एरिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्लास डेकोरेटेड है। देखिए ऊपर से अलग ही कलरिंग लाइट दिया हुआ है, ब्लू कलर का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड गाइस, ये मिनिएचर है होटल का, एंड ये बहुत ही खूबसूरत होटल है। इसका इंटीरियर्स भी बहुत ही सुंदर है, देखिए स्काई व्यू कैसा लग रहा है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में बनाया गया है इसका रूफ वगैरह। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे रिसेप्शन हॉल है वहाँ पे, और जिदान देखिए आगे आगे जा रहा है उसके डैडी के साथ, और मैं पीछे पीछे वीडियो शूट करते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं हॉल की तरफ, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल वेलकमिंग डेकोरेशन, ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। और देखिए आते ही जिदान यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, स्पून से खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा, अभी तो शांत बैठा हुआ है। और यहाँ हमें वेलकम ड्रिंक एंड स्टार्टर सर्व किया गया था। और ये हॉल का व्यू देखिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत और एस्थेटिक लग रहा था ना। और ये है मेरा आज का आउटफिट, मैंने आज ये गरारा पहना था, और आज मैंने थोड़ा हेवी आउटफिट पहना है, क्योंकि ये सब बिल्कुल पहना नहीं होता है, स्पेशली दुबई में। इंडिया में हो तो आप शादी फंक्शन वगैरह अटेंड करते हो पहना होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। तो एक ही तो मौका मिलता है यहाँ पर, अगर कोई रिसेप्शन फंक्शन वगैरह हो तो आप ये हेवी ड्रेस पहन सकते हो, वरना ऐसे ही रखा रहता है। और मैं हेवी ड्रेस ले लेती हूँ, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिलता, ऐसे ही रखा रहता है, तो इसलिए मैंने आज ये पहन लिया। और यहाँ पे मैं अपने कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह ले रही थी। और गाइस, ये ब्राइड एंड ग्रूम का एंट्री है, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर है, और इनके पीछे ब्राइड के बोथ पेरेंट्स जा रहे थे। और ये जो गेस्ट आप देख रहे हो, ये सारे हस्बैंड के कंपनी के स्टाफ है, और जिनके बेटी की शादी है डायरेक्टर, उनके अपने कुछ मेहमान है, देखिए काफी सारे लोग है। और मैं भी सबसे बातें वगैरह कर रही थी, इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे देखिए, जिदान पूरा बिंदास घूम रहा है, अपने मौज में है। और यहाँ जिदान को अपने फ्रेंड्स मिल गए हैं, देखिए उनके साथ वो फाइटिंग कर रहा है, खेलने में बिजी है। और अभी जिदान अपने असली रूप में भी आ गया है, देखिए किस तरह वो एंजॉय कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने भी बहुत ज़्यादा खेला, बहुत एंजॉय किया। और मुझे भी अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले थे, हस्बैंड के जो कलीग है उनके वाइफ के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम अक्सर मिलते रहते हैं। तो मैं भी उनके साथ बातें करने में बिजी थी, और जिदान बिजी था अपने फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड बिजी थे अपने कलीग्स और फ्रेंड के साथ, तो हम तीनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो एंड गाइस, ये है बुफे सेक्शन, लेकिन मैं अच्छे से सब कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खाना लेने आ रहे थे, इतनी सारी लेडीज़ थी, तो उनके फेसेस आ जाएंगे, और काफ़ी अजीब लग रहा था ऐसे वीडियो शूट करना, वो भी खाने का, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए।
और गाइस ये देखिए पीछे स्क्रीन में इंडिया में जो शादी हुई थी दिल्ली में, उसी का स्क्रीन में ये लोग वीडियोग्राफी दिखा रहे हैं। वहाँ पे जो जो रस्में हुई थी वो सब दिखा रहे हैं, वहाँ की शादी, हल्दी, मेहंदी सब कुछ। और सेम ऐसे मेरे शादी के टाइम में भी ऐसे रिकॉर्डिंग, ऐसे स्क्रीन प्ले किया था। मेरे शादी के टाइम पे हमने भी ऐसे हल्दी, मेहंदी, शादी दिखाया था, तो मुझे अपने टाइम का याद आ गया, अपनी शादी, अपना सब कुछ याद आ गया था। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड बैठ के यही बात कर रहे थे, कैसे टाइम बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये सब देख के मैं फ्लैशबैक में चली गई थी, मुझे अपनी शादी सब कुछ याद आ गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए कोकिला मोदी, उनके इंडिया में जो शादी हुई थी वहाँ पे वो भी आई हुई थी। और एक्चुअली वो ब्राइड के जो फादर है उनके फ्रेंड की वाइफ है, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। तो इंडिया में जो शादी हुई थी वो भी आई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख के। और यहाँ पे देखिए हमारा जीतन का फोटोशूट चल रहा है, उसने आज एक भी अच्छे से फोटोज़ नहीं लिया था, तो अभी मैं उसको यहाँ पे खड़ा करके कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रही थी। तो देखिए यहाँ भी उसे एक जगह नहीं रुकना, वो इधर से उधर जा रहा था, काफ़ी इन्जॉय किया उसने। और यहाँ पे देखिए ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं अपने कुछ पिक्चर्स ले रही थी एंट्रेंस में।